बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के घर भी इस बार भी गणपति विराजे और गणेश चतुर्थी के दिन सलमान खान के घर बप्पा का आगमन फिर हुआ। सलमान खान ने अपने परिवार वालों के साथ बप्पा की आरती उतारी और सलमान के पिता सलीम खान, भाई सोहेल खान समेत उनकी बहन भी पूजा में शामिल होते हुए ये आपको तस्वीरों में नजर आते हैं। सलमान खान हर साल कुछ इसी तरह पप्पा को उनका स्वागत करते हैं और इसी प्रकार की तस्वीरें हर बार निकल कर आती हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में केदारनाथ मंदिर की तरह दिखने वाले पंडाल को बनाया गया है। बाहर से देखने पर यह गणपति पंडाल केदारनाथ मंदिर जैसा है, मगर अंदर पहुंचते ही रामनगरी अयोध्या का एहसास भी कराता है। पंडाल का बैकग्राउंड अयोध्या की तरह डिजाइन किया गया है। त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा जिले के रानी बाजार इलाके में 41 फीट ऊंची गणेश भगवान की प्रतिमा विराजी हुई है। बहुत सुंदर मुकुट और गहनों से मूर्ति का श्रृंगार किया गया है। बप्पा की इस मनमोहक मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने वहां गणपति बप्पा की पूजा की, हवन किया। देखिए बिहार की राजधानी पटना में भी गणपति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। वहां मुंबई के मशहूर लाल बाग चौराजा की तरह गणपति की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है और सबसे बड़ी बात चंद्रयान की थीम वाला पंडाल इसमें तैयार किया गया है, जिसे इसरो के बनाए रॉकेट के मॉडल से सजाया गया है और पटना में इस पंडाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम साल रही, इतिहास अपने नाम रहा उसी के रूप में। इस बार विशेष तौर पे हम लोग को इसरो की जो टीम है उसको हमारे पूरे हिंदुस्तान को उन पर नाज है। उन्होंने इतना हमारे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया, पूरे वर्ल्ड के पटल पर डंका बजाया अपना हिंदुस्तान का। तो विशेष तौर पे हम लोगों ने इसरो की टीम को बधाई देने के लिए इस गणेश पूजा के पंडाल में हम लोगों ने लालबाग के राजा की प्रतिकृति तो है ही है, उनके साथ साथ इसरो का यहाँ पे थीम ये किया, चंद्रयान 3 का थीम यहाँ पे दर्शाया गया। मेरा ये पहला साल है, मैं पटना से हूँ लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। पता तो पहले से ही चल गया था, आज आई हूँ पहली बार, मैं यहाँ थी नहीं, आज ही सुबह आई हूँ और यहाँ आई हूँ, आके बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसाद खाया, मोदक खाया। इसरो की जो टीम है उसको हमारे ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 शिखर सम्मेलन की कहानी बयां करता हुआ पंडाल बनाया गया है। रंग बिरंगे झंडों और भारत मंडपम की तरह दिखने वाला ये पंडाल वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। अंदर भगवान गणपति की सुंदर और चमकदार मूर्ति स्थापित की गई है। लोग बप्पा के दर्शन के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक ऐसा गणपति पंडाल है जो प्रभु श्री राम की कहानी बयां करता है। इस पंडाल में रामायण से लेकर तमाम तथ्य हैं, प्रसंग हैं। कहीं श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे तो कहीं शबरी के झूठे बेर खाते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। लंका दहन और समुद्र पर पुल बनाने वाली तस्वीरें भी आपको इसमें नजर आएंगी। गणपति की भव्य और दिव्य मूर्ति भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी, इसलिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। सूरत पुलिस ने अनोखा गणपति पंडाल तैयार किया। इस पंडाल में बप्पा को पुलिस की वर्दी में दिखाया गया है।
पुलिस की वर्दी में विराजमान गणपति लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के टिप्स भी बता रहे हैं। साइबर क्राइम नो भोग न बनो, लोभ नहीं, लालच नहीं। ये देखिए, हम सभी जानते हैं कि मुंबई में सिद्धिविनायक का मंदिर कितना प्रसिद्ध है, लेकिन कश्मीर में भी सिद्धिविनायक विराजते हैं। श्री नगर में स्थापित सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति उत्सव चल रहा है और गणपति की प्राचीन मूर्ति का श्रृंगार और पूजन किया गया। श्रीनगर में रहने वाले लोग और कई सैलानी भी बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ठाणे में एक गणपति पंडाल में वो पहुंचे, वहां उन्होंने गणेश मंडल के सदस्यों के साथ बप्पा की आरती उतारी। मुंबई के पास पुणे में दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया। बड़ी संख्या में शामिल इन महिलाओं ने मिलकर बप्पा की स्तुति कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इस कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान भी आपको नजर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा गणपति पंडाल है जहां बप्पा के 108 रूपों को दिखाया गया है। यहां किसी तस्वीर में गणपति के हाथ में बल्ला है तो किसी मूर्ति को बॉल पकड़े नजर आ रहे हैं। नटखट अवतार में बप्पा के साइकिल चलाने की मूर्ति भी यहां पर मौजूद है।